ओहो मुमू, तू बिना वजह घबरा रही है। प्रेम को सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। डोंट वरी एट ऑल। यस डार्लिंग, वैसे जो हमने चाहा वो तो हो गया। प्रेम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तू तो उसके खाने की मनपसंद चीजें बना और अपने हाथों से उसे खिला। हम भी देखते हैं बेटा माँ से कब तक नाराज रहता है। अच्छा भाईजान, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेना। जी भाईजान। धोकर आ जा प्रेम, खाना तैयार है। नहीं मां, मुझे भूख नहीं है। सब तेरी पसंद की चीजें हैं प्रेम, मैंने बनाई है। थैंक यू मां, मुझे भूख नहीं। तेरा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाना। शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम। ये तुमने सोचा भी कैसे मां? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना, कसूर तो मेरा ही है। जब मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ, क्या मां को इतना भी हक नहीं है? हाँ पूरा हक है मां, अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया। विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया मां? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूं तो आप मुझे जाने दोगी? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हम में से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई? याद करो मां, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो, वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती। संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया? संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं? जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त कि वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। प्रेम, ये फर्क नहीं तो और क्या है मां? सौतेलापन विवेक भैया ने नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता मां, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। प्रेम, और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रहकर विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम, मैं शादी नहीं करूंगा। प्रेम, प्रेम, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा, मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा।
जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को माँ का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था, मैंने प्रीति को यह पहले ही कह दिया था। मगर कहते भी तो भी मैं साधना भाभी का अधिकार नहीं ले पाती। बैठो। चाहे बंधन में बंधे न बंधे, जिस बात का रिश्ता तो दिल से है ना। साधना भाभी की चिंता मत करना, उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अब मेरी है। Everything is fine, बेटी। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है। संभल के, संभल के। अब किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। बैठो, बैठो। देखो अब्बू जान आपके लिए क्या भेजे हैं? छोटे से बाल गोपाल। कहा है कि आप हमेशा इन्हें अपने सामने रखें। थैंक यू भाई जान। लो बेटा। प्रीति, तुम यहाँ क्यों रुकती हो? यहाँ सब लोग तो है ना। भाभी, मैं सर से ऑफिशियल छुट्टी लेके आई हूँ, आपकी डिलीवरी तक यही रहूंगी। भाभी चाय। डॉक्टर साहब, प्रीति अपना सारा काम छोड़कर साधना के पास आई है और सपना अपने कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रही है। मेरी एक नहीं, तीन बेटियां हैं डॉक्टर। अनवर, फैक्ट्री के इनॉग्रेशन होने तक विनोद की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, फिर उसे भी वापस शहर भेज दूंगा। विनोद, सपना के साथ कैसे हंसते हंसते वक्त बीत गया, दादी माँ कुछ पता ही नहीं चला। वक्त तो अपनी गति से चलता ही रहता है बेटा, हर वक्त किसी ना किसी का इम्तिहान लेता ही रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर जोशी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम आखिर रुक कैसे गया? तकनीकी प्रॉब्लम्स तो पहले भी आती थी। सर, पहले आनंद बाबू संभाल लेते थे। मैं ये सब कई बार सुन चुका हूँ, आप जल्द से जल्द एक अच्छे से अच्छा इंजीनियर अपॉइंट कीजिए, वरना इस तरह तो हम बैंक के लोन्स तक नहीं चुका पाएंगे। चाहिए। हेलो, मैं आता हूं। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? बुखार तो अभी भी काफी है अनुराग बाबू। ज्योति जी बता रही थी कि ये दोनों काफी दिनों से ठीक से खा पी भी नहीं रहे, खेलना कूदना भी कम कर दिया। जी। खैर, आप ये दवाइयां जारी रखिए, कल सुबह फिर खबर करिए। आइए अनुराग बाबू, आपसे कुछ बात करनी है। अनुराग बाबू, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बच्चे फूलों के समान कोमल होते हैं, अगर उन्हें घर में प्यार का वातावरण न मिले तो वे मुरझाने लगते हैं और यह अच्छी बात नहीं। डॉक्टर साहब, इन दिनों मैं अपने काम की परेशानी में ऐसा उलझा हूं, इन्हें वक्त ही नहीं दे पा रहा हूं, कई बार इन पे छुंछला जाता हूं। कल तो आपने उन पर हाथ भी उठाया।
वे जिद किए बैठे थे आनंद और संगीता के पास जाएंगे। तो आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? आपसी मनमुटाव में अपने घर की सुख शांति मत खोइए अनुराग बाबू, वरना मैं क्या, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए।